नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरें। संत कबीर नगर के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए समय माता मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। इस अवसर पर संत कबीर नगर जिले में पहुंची प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने समय माता मंदिर पहुंचकर टेका माथा की पीएम मोदी के लंबी उम्र की कामना। संत कबीर नगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने समय माता मंदिर में भव्य पूजा अर्चना का आयोजन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में कभी कभार होता है। जिसने देश की जनता के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया हो, उनके जन्मदिन को हम लोग सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, जिसमें अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे वह गरीब हो, असहाय हो, सभी को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत हर किसी को स्वावलंबी बनाने के लिए लाभान्वित किया है, जिससे रोजगार के लिए उन्हें दर दर भटकना न पड़े। जनता तीसरी बार उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए उत्साहित है। वहीं प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम विश्वकर्मा सम्मान योजना का जमकर बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है और गरीब असहाय लोगों के जीविकोपार्जन के लिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। आने वाले 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाकर देश को विश्व गुरु बनाना है। इस अवसर पर व्यापारी नेता बनर्जी लाल अग्रिहर, सरवण अग्रिहर, भोला अग्रिहर सहित दर्जनों की संख्या में भाजपा नेता मौजूद रहे। चंद्रकांत पांडे की खास रिपोर्ट। सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है, हर जन जन के बेटे हैं और आज हर माताएं, बहनें, किसान, नौजवान, युवा, पूरा भारतवासी आज उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करते हैं। हम सभी भी संत कबीर नगर में यहाँ पे अपने इस मंदिर में आए हैं, शाम समय देवी के मंदिर में, और हम सभी दोनों हमारे विधायक अंकुर राज तिवारी और हमारे विधायक खनगटा गणेश चौहान जी, दोनों लोग, हम सभी यहाँ तीनों लोग आए हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हम सभी कामना करें कि हमारा देश ऐसे ही सशक्त और मजबूत नेतृत्व के हाथों में रहे। हम 2024 में हमारे इस देश के प्रधानमंत्री दोबारा यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई हों, मोदी हों, दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और देश का मान स्वाभिमान इसी तरह विश्व गुरु की तरफ बढ़ता रहे। आज इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता, देश और विश्व में भारत माता का सर ऊंचा कर रहे ऐसे भारत माता के लाल, इस देश के प्रधानमंत्री, हम सब के अभिभावक नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। उस अवसर पे हम लोग यहाँ समा माई का आशीर्वाद लेकर के प्रार्थना करने आए थे कि किसी भी रूप से हमारे नेता को दीर्घायु करें और भारत माता का सर जैसे ऊंचा हो रहा है ऐसे निरंतर ऊंचा होता रहे, इसलिए तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना करके इस देश की जनता अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी को दे ताकि वो भारत माता का सर ऊंचा कर सके। ऐसे माई के पास हम लोग उनकी दीर्घायु के लिए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए यहाँ आए थे और माई समा माई की कृपा जिसके ऊपर रहती है वो आप सब लोग जानते हैं कि समा माता कितनी जागृत माई है, हमारे इस जिले की केंद्र बिंदु है और इनके आशीर्वाद से कभी कोई अछूता नहीं रहा है। हम सब यहाँ आकर के नमन करके, इनको प्रणाम करके, चरण वंदन करके ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेता दीर्घायु हों और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से मैं सभी देशवासियों को प्रधानमंत्री के जन्मदिवस की ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामना। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।